हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ डेली ज्ञान में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटापा कम करने का घरेलू नुस्खा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी समस्या होती है हमारी पेट से शुरू होती है और पेट पर ही ख़त्म होती है। मोटापा होता है जो पेट में होता है, पेट की कोई समस्या उसके कारण मोटापा होता है, और पेट की समस्या ज़्यादातर खाने से होती है। तो इसलिए मैं बात करूँगा खाने वाले टॉपिक पर, जिससे आप मोटापा कम कर सकते हैं घर पर रहकर। आपको किसी भी दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर से ही आप मोटापा कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो खाना कैसे खाना चाहिए? खाना चबा कर खाना चाहिए। मैं आपको बता दूं खाना कैसे चबा कर खाना चाहिए। आप पूछेंगे, जितने हमारे दांत होते हैं ना, जैसे एक टूक आपने लिया खाने के लिए, तो एक टूक जो आपने लिया तो उसे यानी कि 32 बार चबाएं, उसे खा लें, फिर दूसरा टूक लें, उसे 32 बार चबा कर खाएं। इससे हमारी जो लार है ना मुंह में, वो पेट में चली जाती है और मोटापा कम होता है। क्योंकि मोटापा कब होगा? जब खाना पचेगा नहीं, गैस बनेगी तो मोटापा होगा, और इससे खाना बहुत जल्दी पच जाता है, जैसा मैंने बताया है। और दूसरा तरीका क्या है? खाना हमेशा ज़मीन पर बैठ कर खाएं। कुर्सी वुर्सी पर ना बैठें, ज़मीन पर बैठ कर खाएं। कोई कपड़ा बिछा ले नीचे, आपको शौक नहीं है तो ज़मीन पर बैठने का। दोपहर का खाना खाने के बाद तुरंत आराम करें, 1 घंटे का कम से कम। दोपहर का जब आप भोजन करते हैं तो उसके बाद आराम जरूरी है, और रात का भोजन दोनों उल्टा है, रात का दोपहर का भोजन का नियम। रात को भोजन के बाद 2 घंटे से पहले सोना नहीं चाहिए, यानी कि रात को जब भोजन कर लें उसके जैसे 7 बजे भोजन किया है तो 9 बजे सोएं, ठीक है जी। 2 घंटे तक घूमें या किसी आसन में बैठ जाएं, कम से कम 1000 कदम चलें खाना खाने के बाद। रात के खाना खाने के बाद ठंडा गर्म एक साथ ना खाएं। जैसे फ्रिज में से आपने लस्सी निकाल ली, सब्जी गर्म है तो उसको एक साथ ना खाएं। लस्सी आपको यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, और दाल जैसे कोई भी सब्जी है तो उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर ही खाएं, और कभी भी दही में नमक ना डालें। हमेशा मीठा डालें। ठीक है जी, दही में नमक क्यों नहीं डालें? क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो नमक डालने से मर जाते हैं, इसलिए हमेशा मीठा डालना चाहिए। मीठा डालने से इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्या है, कटहल की जो सब्जी है के साथ दूध ना पिएं, क्योंकि जहर का काम करती है इसके साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।